हाय गाइस, वेलकम टू करियर नेक्टर, योर ड्रीम इज आवर पैशन। आज दोस्तों इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे कि करंट अफेयर्स 21st ऑफ सितंबर 2018 से लेके 30th ऑफ सितंबर 2018 तक पूरी करंट अफेयर जो भी होगा और जो मेन क्वेश्चन आपकी एसएससी बैंकिंग वगैरह में आ सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर डैम रिहैबिलिटेशन एंड प्रोजेक्ट इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट DRIP ड्रिप के अंतर्गत, कि इनमें से कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि हम लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है फॉर रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक। तो पहली चीज आप याद रखो, इसके वर्ल्ड बैंक का हम लोगों को 3466 करोड़ दे रहा है फॉर द रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट ऑफ 198 प्रोजेक्ट, जो डैम की प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके लिए, और जो 7 states में ये सारे जो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स है वो चल रहे हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक इसका आंसर है दोस्तों। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड बैंक। नाउ वर्ल्ड बैंक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कौन है? जिम योंग किम इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ओके, एंड इसका हेडक्वार्टर वर्ल्ड बैंक का कहाँ पे है? वाशिंगटन DC। एंड मेंबर्स कंट्री इसका 189 मेंबर्स कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड बैंक। ओके, सो ये आपका पूरी इसकी डिटेल्स है कि 198 डैम्स की रिहैबिलिटेशन के लिए हो रहा है एंड इट्स एग्जिस्ट इन द 7 states ऑफ इंडिया विद ए कॉस्ट ऑफ 3466 करोड़ रुपीज के लिए ये पूरी चल रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज अवीन्द्रा 18 हैज स्टार्टेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इनमें निम्न में से कौन से देश के साथ इंडिया या फिर कोई दूसरे देश, इनमें से कौन से दो देश मिलके अवीन्द्रा जो 18 है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं? ठीक है, तो ये एक्सरसाइज जो हो रहा है इंडिया और रशिया के बीच में हो रहा है। ठीक है, और इंडिया रशिया के बीच में हो रहा है सितंबर 17 से लेके आपका सितंबर 28 तक की एक्सरसाइज था ये। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया एंड रशिया के बीच एक्सरसाइज अवीन्द्रा हो रहा है 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओमन क्रू ऑफ व्हिच इंडियन नेवल सेलिंग वेसल INSV हैज बैग्ड द तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2018। तो कौन से सेलिंग वेसल INSV का इंडियन का ओमन क्रू है जिनको ये अवार्ड मिला है? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज INSV तारिणी की, जो ऑल ओमन क्रू ऑफ INSV तारिणी हैज बैक्ड द प्रेस्टिजियस तेजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड फॉर बीटिंग द ऑर्स इन वाटर विद देयर एंड्यूरिंग स्किल्स एंड सेलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर 8 long months, 8 लगातार महीने के लिए जो इनका जो ये सीरीज चला था उसके लिए उनको मिला है ये अवार्ड, तेजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला है। ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का नया जो सेक्रेटरी है वो कौन बने हैं? तो अनिंदो मजूमदार, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC। ये आपकी डिटेल है, वो 1985 बैच के है IAS ऑफिसर, एंड बिफोर दैट ऑल्सो ही वॉज द फिनेंशियल कमिश्नर ऑफ डेली। हु ऑफ द फॉलोइंग हैव ओन द 2018 राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और जो भी खेल से संबंधित चीज़ें हैं वो सारे चीज़ें क्वेश्चन वगैरह में पूछा जाता है, अवार्ड, अर्जुना अवार्ड एंड ऑल दिस, दिस आर बीन रेगुलरली कमिंग इन द क्वेश्चन पेपर, सो यू हैव टू नो दिस आंसर। एकदम आपको पता होना चाहिए कितना प्राइज मनी है, सब कुछ उसके बारे में पता होना चाहिए। पहली चीज ये जो क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैव ओन द 2018 राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, तो उसका आंसर है विराट कोहली एंड मीराबाई चानू। दे आर द पीपल हु हैड दे आर द स्पोर्ट्समैन हु हैज गॉट द प्राइज इन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2018। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में कितने प्राइज मनी रहते हैं ये भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, तो 7.5 lakhs है और उसके साथ एक मेडालियन मिलता है और एक सर्टिफिकेट भी मिलता है आपको। ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो होता है वो 7.5 lakhs आपके कैश प्राइज रहते हैं, वो भी याद रखना है, क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो ये डिटेल है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, द इंडियन एयरफोर्स
IAF has recently proposed to set up a drone manufacturing center, drone manufacturing facility in which state? ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो इंडियन एयरफोर्स लगा रहा है कहाँ पे लगा रहा है, तो ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में हो रहा है। और आंध्र प्रदेश का जो सीएम है वो है, कौन है अभी, एन चंद्रबाबू नायडू। और एन चंद्रबाबू नायडू ही इज द रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर रिचेस्ट की बात किया जाए, सबसे ज्यादा पैसे वाले जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है इंडिया में, वो है एन चंद्रबाबू नायडू, एंड ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, ईएसएल नरसिम्हा। ईएसएल नरसिम्हा इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट आंध्र प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ रिवोल्यूशनरी लीडर कोडप्पाली कोटेश्वरम्मा हु पास्ड अवे रिसेंटली। ये निम्न में से कौन सा ऑटोबायोग्राफी है किनका, जो कोडप्पाली कोटेश्वरम्मा है, जो अभी 96 ईयर्स की एज के थे, वो अभी पास्ड अवे हुए गए इन द आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन सा, तो निर्जना बरद्दी, निर्जना ऑप्शन नंबर ए, निर्जना बरद्दी इज द ऑटोबायोग्राफी, नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द कोडप्पाली कोटेश्वरम्मा। शी इज बेसिकली, शी वॉज द राइटर एंड द फेमिनिस्ट, वो राइटर थे एक फेमिनिस्ट थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। और कहां से बिलोंग करते थे, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हैज टाइड अप विथ विच इंश्योरेंस कंपनी टू प्रोवाइड इंश्योरेंस टू ऑल, कौन से लाइफ इंश्योरेंस के साथ इन लोगों ने जुड़ित हुआ है। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे सारे सबको, तो वो है बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस। बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के साथ आईपीबी ने क्या किया, टाई अप किया टू प्रोवाइड द इंश्योरेंस टू ऑल। ओके, सो दिस इज अ डिटेल। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हैज टाइड विद द प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरर बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस टू प्रोवाइड द लाइफ इंश्योरेंस सोल्यूशन स्पेशली टू द डोर स्टेप टू द एवरी हाउस होल्ड। और इसमें दिस प्रोडक्ट विल फर्स्ट बी अवेलेबल अक्रॉस द नेटवर्क ऑफ 3,250 एक्सेस पॉइंट, gradually expanding to the 1,55,000 post offices across the villages. So this is very important. One of the first life insurer, and Bellic is the first life insurer to partner with IPB after the letter was launched by the Prime Minister Narendra Modi on the September 1st, 2018. But हम लोगों को जो जानना है इस क्वेश्चन से कि IPB ने किसके साथ लगाया है, तो वो है बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के साथ आपका टाई अप हुआ है फॉर प्रोवाइडिंग द डोर स्टेप फैसिलिटी फॉर द लाइफ इंश्योरेंस। ओके, हु वाज द फाउंडर ऑफ द दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा DBHPS, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है पेपर में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो फाउंडर है वो कौन थे, इज नन अदर देन द महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी इनके इसका फाउंडर थे। और ये जो DBHPS का जो मेन एम है इट्स ऑल अबाउट द टू इम्प्रूव द हिंदी लिटरेसी को बढ़ाना अमोंग द नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल, जो साउथ इंडिया में नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल रहते हैं उनके बीच में इम्प्रूव करना हिंदी लिटरेसी को, यही मेन एम है DBHPS का, ठीक है। Tran Dai Quang, who passed away recently, was the current president of which country? इनमें से कौन से देश का वो राष्ट्रपति थे, ठीक है, Tran Dai Quang। तो answer to this question is Vietnam, और Vietnam का capital Hanoi है और currency ये है Vietnamese। अगर आपके currency भी पूछ लिया जाता है तो Vietnamese Dong is the currency of Vietnam. Vietnamese dong उसका करेंसी है, ठीक है। Which country is going to host to the third edition of International Business Conference Mahabiz 2018? निम्न में से कौन सा देश इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस करेगा महावीज 2018? तो ये है आपका UAE, और UAE that is option number C, UAE is going to host, okay? So बेसिकली दिस इज द थर्ड एडिशन, ओके, एंड महावीज इज कंसिडर्ड ए ब्रिज, ये एक ब्रिज है महाराष्ट्र स्टेट और गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल GCC के रीजन को, एक वो समझौता टाइप है, दिस दिट विल
it will boost up the business over there. Okay, so GCC is a political and economic alliance of the 6 Middle Eastern countries. यहाँ पे 6 Middle East countries जुड़े थे, उसके साथ सऊदी अरेबिया, UAE, कुवैत, ओमान, बहरीन एंड क्वातर भी इसके साथ अटैच्ड है. तो ये GCC काउंसिल और मध्य महाराष्ट्र के बीच में एक इकोनॉमिक अलायंस है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस है. अभी क्वेश्चन आता है कि UAE का कैपिटल क्या है, तो आपको पता होगा कि कैपिटल अबू धाबी है और करेंसी है दिरहम, करेंसी है इसका दिरहम. रिमेंबर दिस. हु इज द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल का नया चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका आंसर है अनिल कुमार चौधरी. अनिल कुमार चौधरी ही इज द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ओके, सेल महारत्न कंपनी में आता है, तो महारत्न कंपनी के चेयरमैन वगैरह SSC बैंकिंग और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है. तो अनिल कुमार चौधरी, इनके आपके पूरी डिटेल इस स्लाइड में आपको मिल जाएगा. हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है. और उन्होंने सक्सेप्ट किया है किसको, PK सिंह को, ठीक है. विच कंट्री टू होस्ट द 2018 ओमेन्स बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप, कौन से देश अभी होस्ट करेगा ओमेन्स बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप? तो वो इंडिया है. और ये अभी कब होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है. 15 to 24 November ये गेम होगा 2018, ठीक है. द आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम जो है, हैज रोल्ड आउट फ्रॉम व्हिच सिटी, अभी अभी रोल्ड आउट हुआ है 30 September से. तो कौन से राज्य से ये चालू हुआ है अभी? तो ये रांची है, झारखंड. ओके, और तो ऑप्शन नंबर डी रांची, झारखंड. हु हैज ओन द 2018 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ मालदीव, इनमें से कौन किसने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मालदीव का जीता है? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इब्राहिम मोहम्मद सोली. अभी आता है आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इब्राहिम मोहम्मद सोली. तो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है. और मालदीव का करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया. एंड कैपिटल क्या है इसका? कैपिटल माले. तो रिमेंबर दिस बोथ क्वेश्चन आंसर, ठीक है. करेंसी एक आपके पेपर में बहुत आते हैं और कैपिटल भी आता है, कैपिटल माले. नाउ लेट्स सी व्हिच स्टेट हैज टॉप्ड द चार्ट्स अमंग द स्टेट्स इन द टर्म्स ऑफ 2018 ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रैंकिंग लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. तो ये जो ईज ऑफ लिविंग होता है उसमें स्टेट का देखा जाता है कि किसकी स्टेट, कौन सी स्टेट ने टॉप किया है ईज ऑफ लिविंग में, वहां पे रहना. ये 360 एक शॉर्ट एनालिसिस होता है. शॉर्ट एनालिसिस होता क्या है, बेसिकली स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, पूरी 360 पूरा देखा जाता है कि इस स्टेट में क्या क्या फैसिलिटी वगैरह, थ्रेट वीकनेस पॉइंट क्या है, थ्रेट्स क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, सारी चीजों को मिला के ये इंडेक्स बनाया जाता है. ये अमरूद की AMRUT के अंतर्गत आता है पूरी, एंड दिस इज अंडर द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत यह आता है, ठीक है. अब इनमें से किसने टॉप किया है, तो आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है, और आंध्र प्रदेश का सीएम मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, वो है एन चंद्रबाबू नायडू, और गवर्नर है ESL नरसिम्हा. हु हैज ओन द ओमन सिंगल 2018 चाइना ओपन बैडमिंटन टाइटल, चाइना में बैडमिंटन ओपन चल रहा था, उसमें किसने जीता है बैडमिंटन का सिंगल में, ओमन सिंगल में किसने जीता है? तो कैरोलिना मार्डिन है, शी इज द वन हु हैज ओन द 2018 ओपन बैडमिंटन टाइटल. तो उन्होंने हराया किसको है, शी डिफीटेड द चेंग वेफे इन चेंगजाओ चाइना में. हु हैज बीन नेम्ड द 2018 बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर, मेंस प्लेयर कौन सबसे ज्यादा मतलब बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर घोषित किया है 2018 का? तो वह लुका मोड्रिक. एंड लुका मोड्रिक इज Why is been awarded? Because आपके बार जो FIFA का 2018 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें क्रोएशिया ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया दोस्तों. तो क्रोएशिया का ही प्लेयर है लुका मोड्रिक, एंड बिकॉज ऑफ इट ही हैज अवार्डेड द बेस्ट FIFA मैंस प्लेयर. ऑन विच डेट द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस IDSL 2018 वॉज ऑब्जर्व रिसेंटली, तो ये कौन से दिन मनाया गया था? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सितंबर 23rd को जो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस मनाया गया है, ठीक है. वैसे सबकी लैंग्वेजेस की यूएन जो यूएन है तो वो मनाता है, यूनाइटेड नेशंस सेलिब्रेट्स द अदर लैंग्वेजेस डे आल्सो. तो दिस टाइम दे हैव लॉन्च द
International Day of Sign Languages on the 23rd of the September for the deaf people. The famous Indra Jatra festival 2018 has started in which country? उनमें से कौन से देश में 2018 इंद्र जात्रा फेस्टिवल हुआ है? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नेपाल. तो ऑप्शन नंबर सी, ये एक फेस्टिवल है जो नेपाल में आयोजित होता है. और नेपाल क्यों ये आयोजित करता है? तो ये दिखाता है कि एंड ऑफ द मानसून एंड स्टार्ट ऑफ द हार्वेस्टिंग पीरियड, जहां पे आपका मानसून की एंड हो जाता है. और ये भगवान इंद्र को मनाया जाता है. भगवान इंद्र की ये वाक्शिप पूरा है कि हु इज द लॉर्ड ऑफ रेन एंड फॉर द गुड हार्वेस्ट. ओके, सो नेपाल है इसका आंसर. और ये फेस्टिवल में इज दिस एनुअल फेस्टिवल इज ऑब्जर्व टू वर्शिप द इंद्र द लॉर्ड ऑफ द रेन एंड द फॉर द गुड हार्वेस्ट. ओके, विच एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द यूएन यूनियन गवर्नमेंट फॉर ट्रैफिक जंक्शन. इनमें से कौन सा एयर पॉल्यूशन डिवाइस है, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है जो जो यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अभी? तो वो आंसर है वायु, डब्ल्यू ए वाई यू. इसका भी फुल फॉर्म आता है पेपर में, पेपर वगैरह में आपको मिल सकता है वायु का फुल फॉर्म. तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, डब्ल्यू ए वाई यू. तो एक बार देख लीजिएगा कि डब्ल्यू ए वाई यू जो है वो इसका फुल फॉर्म क्या है, विंड ऑगुमेंटेशन एंड प्यूरिफाइंग यूनिट. ठीक है, विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज बीन अवार्डेड एज विद द यूनियन हाइएस्ट एनवायरमेंट ऑनर चैंपियंस ऑफ द आर्ट 2018. चैंपियंस ऑफ आर्ट 2018, इनमें से कौन किनको किस पर्सनैलिटी को मिला है? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नरेंद्र मोदी. नरेंद्र मोदी को मिला है बिकॉज इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो अभी हुआ है उसके वजह से नरेंद्र मोदी जी को मिला है ये प्राइज. ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन अवार्डेड विद द यूएन हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर, जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ है. किसके लिए? बिकॉज इज ऑफ हिज लीडरशिप ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA एंड द प्लेज टू इलिमिनेट द सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक इन इंडिया बाई 2022 तक प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं किया जाएगा. वो जो उन्होंने एक प्लेज लिया है बिकॉज ऑफ दैट ही हैज बीन अवार्डेड दिस प्राइज. स्मार्ट सिटी एक्सपो 2018 वॉज रिसेंटली हेल्ड इन द विच सिटी. तो स्मार्ट सिटी एक्सपो जो 2018 का होने वाला है वो कौन से देश कौन से राज्य में होगा? तो आंसर इज जयपुर. जयपुर में होगा ये. और जयपुर कहाँ पे है? जयपुर इज कॉल्ड द पिंक सिटी. और जयपुर कहाँ पे आता है? राजस्थान में आता है. अब बात आती है कि राजस्थान में जो CM है वो कौन है? राजस्थान का CM है वसुंधरा राजे. ठीक है, तो ये सारे चीज आपके पास पता होना चाहिए. राजस्थान का CM वसुंधरा राजे. और 26 सितंबर को ये अभी 3 डे का एक्सपो लगी थी वहां पे. तो स्मार्ट सिटी एक्सपो था 2018, इट इज बीन ऑब्जर्व्ड इन द जयपुर. ओके, व्हाट इज द थीम ऑफ द 2018 वर्ल्ड टूरिज्म डे? वर्ल्ड टूरिज्म डे का थीम क्या था? तो इसका थीम था टूरिज्म एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. तो ऑप्शन नंबर डी, Tourism and Digital Transformation was the theme of the 2018 World Tourism Day. तो World Tourism Day कब मनाया जाता है वो भी याद रखो, September 27th को World Tourism Day मनाया जाता है. India's first TVET skills park is to be established in which city? ये कहाँ पे established किया जाएगा? तो answer है इसका भोपाल. तो Asian Development Bank के सहायता से और इसने 150 मिलियन आपके जो लोन मिला है टू एस्टैब्लिश द इंडियाज फर्स्ट मल्टी स्किल्स पार्क इन द भोपाल. ओके, भोपाल मध्य प्रदेश में आता है. हु इज द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन? एटॉमिक एनर्जी कमीशन का नया चेयरमैन कौन बने हैं अभी? कमलेश नीलाकांत व्यास जी बने हैं, व्यास उनको बोलते हैं, कमलेश नीलाकांत व्यास. तो ही इज बीन द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन. ओके, आंध्र प्रदेश हैज रिसेंटली साइन पैक्ट विथ विच US बेस्ड कंपनी टू सेट अप ए सोलर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट? ये सोलर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अभी कहाँ पे लगाया जाएगा? आंध्र प्रदेश सरकार ने US बेस्ड कंपनी के साथ एक टाई अप किया है कि वहां पे एक सोलर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाए. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन नंबर डी, ट्राइटॉन सोलर कंपनी.
ट्राइटन सोलर कंपनी के साथ हमने एक समझौता किया है, आंध्र प्रदेश सरकार ने समझौता किया है कि तो वहाँ पे एक सोलर मैन्युफैक्चरिंग बैटरी प्लांट लगाया जाए, ठीक है। ये पूरी डिटेल है आपका कि द प्लांट हेल्प्स टू इन स्विचिंग ओवर टू द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड सिक्योर 2200 मेगावाट ऑफ सोलर पावर स्टोरेज सप्लाई टू मीट द स्टेट एनर्जी नीड, स्टेट का जो भी एनर्जी है उससे मिल जाए, और ये एक इन्वेस्टमेंट है 727 करोड़ का। तो ये सारे डाटा याद रखो, बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 727 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है। दूसरी चीज, ट्राइटॉन सोलर कंपनी से या आंध्र प्रदेश सरकार ने यह समझौता किया है, ठीक है। द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन द विच सिटी रिसेंटली। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है दोस्तों कि द इंडिया इंडो बांग्लादेश बॉर्डर कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है अभी। तो वो हो रहा है अभी आइजोल में, ठीक है। आइजोल कहाँ पे, दैट इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। तो मिजोरम का कैपिटल है आइजोल, आइजोल में हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी आता है मिजोरम वगैरह के, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जो कौन सीएम है। तो सीएम इज लाल थनवाला। एंड वहां पे एक और क्वेश्चन आता है कि आपका गवर्नर कौन है, तो कुमानाम राजशेखरम इज द गवर्नर ऑफ मिजोरम, ठीक है। On which day 2018 International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons was observed recently? तो ये कौन से दिन मनाया जाता है Total Elimination of Nuclear Weapons? तो ये आपका 26 तारीख को मनाया जाता है, September 26 is the right answer to abolish the to total eliminate the nuclear weapon को हम कम करते रहे, so that हमारे to provide an opportunity to educate the public and the leaders. तो eliminate जितना होगा, because nuclear से बहुत ज़्यादा हमारी परेशानी हो सकती है आने वाले टाइमों में, तो उसको हम लोग eliminate करना चाहते हैं। तो it's an international day, 26 September को वो मनाया जाता है। Thank you दोस्तों, इसी के साथ हम आज अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। So have a nice day and please share and subscribe our channel also and do like the videos. Thank you guys from the entire team of Career Nectar.